तो अब सवाल यह है कि क्या इस तरीके का विवाद जानबूझकर पैदा किया जा रहा है, क्या इसे नफरत फैलाने की कोशिश ना माना जाए। इसकी शुरुआत ज्ञानवापी मामले से हुई और अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठन भी इसके जरिए मुसलमानों को भड़काने का खेल रच रहे हैं। आप देखिए संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की यह खास रिपोर्ट। पीएफआई की एक और जहरीली साजिश, इंडियन मुस्लिमों को संभवित अबद्ध तिरती मंदिर मस्जिद विवाद में मुस्लिमों को उकसाने की नई चाल। जानते हैं कि इंडिया में हजारों ऐसे मस्जिद के पीछे लोग पड़े हुए, तो ये बेवकूफी से हमें बचना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी पीएफआई ने उठाए सवाल। दिल्ली से लेकर राजस्थान के करौली और यूपी के हाथरस से लेकर कर्नाटक के हिजाब कांड तक जिस संगठन पर हिंसा और दंगे भड़काने के आरोप लगे हैं, अब उसी चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की नई साजिश का खुलासा हुआ है। नफरत का यह पर्चा पीएफआई ने जारी किया है जिसमें आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ तो जहर उगला ही गया है, साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को भड़काने की साजिश की बू भी आ रही है। सोशल मीडिया पर पीएफआई नेताओं की तरफ से वीडियो प्रोपेगेंडा भी चलाया जा रहा है। निंगल तेरी ബാബ്രി മസ്ജിദിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച അബദ്ധങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി തിരുത്തിയും കൊണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു ബാബ്രി മസ്ജിദ് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ മുഴുവൻ ശ്രമങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ജനത നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിനുവേണ്ട എന്ത് പിന്തുണയാണോ അതിന് മുമ്പിൽ നയിക്കണമെങ്കിൽ മുമ്പിൽ നയിക്കുവാൻ, ആ മാർഗത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നഷ്ടങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് തയ്യാറാണ്. हिंसा और दंगों के लिए पीएफआई पहले ही बदनाम है और अब मंदिर मस्जिद विवाद को पीएफआई जिस तरीके से हवा दे रहा है। इस साजिश की बुनियाद केरल के पुथन थानी में रखी गई, जहां 23 और 24 मई को पीएफआई कार्यकारिणी की एक बैठक हुई जिसके बाद एक प्रेस लिस्ट जारी की गई। इसमें मुस्लिम समुदाय से अपील की गई कि देश भर में जहां भी मंदिर मस्जिद विवाद चल रहा है वो उसका विरोध करें। काशी से लेकर मथुरा तक जहां भी मंदिर मस्जिद विवाद हुआ है, दोनों पक्षों ने अदालत पर भरोसा जताया है और हर बार यही कहा कि जो भी अदालत तय करेगी वही माना जाएगा। लेकिन पीएफआई अदालतों को भी नसीहत दे रहा है। पीएफआई की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने के इस्तेमाल पर प्रतिबंध निराशाजनक है। अदालतों को मंदिर मस्जिद विवाद की याचिकाएं मंजूर नहीं करनी चाहिए थी। अदालतों ने मंदिर के दावों को सबूतों के आधार पर नहीं परखा, इसीलिए विवाद पड़ रहा है। लेकिन सच यह है कि विवाद को हवा पीएफआई की तरफ से दी जा रही है और बाबरी मस्जिद का नाम ले लेकर मुस्लिमों की भावनाओं को कुरेदा जा रहा है। चंद लोग कह रहे थे कि ये बाबरी मस्जिद का जब इशू चल रहा था, मस्जिद दे दो, अमन के लिए मस्जिद की जमीन दे दो, तोहफे में दे दो। उन बेवकूफों को समझना चाहिए, मुसलमानों को कॉन्स्टिट्यूशन में जो हक दिए गए हैं, यानी अपने धर्म को आजादी से आजादी पर चलने का उन्हें जो हक है उस हक पर वो चल सकते हैं, नहीं वो मामला था। लेकिन चंद बेवकूफ कह रहे थे अमन के लिए गिफ्ट कर दो, अमन के लिए गिफ्ट कर दो। अब वो लोग कहाँ हैं? हम पहले से कह रहे थे, अब वो लोग खामोश हो गए, छुप गए हैं, क्योंकि अब ज्ञानव्यापी के बारे में आ रहा है, मथुरा के बारे में पेटिशन लगाया गया और जानते हैं कि इंडिया में हजारों ऐसे मस्जिद के पीछे वो लोग पड़े हुए, तो ये बेवकूफी से हमें बचना है। ये बोल अब राजनीतिक बवाल में बदलने लगे। मुद्दे पर बीजेपी खुलकर बोल रही है लेकिन कांग्रेस खामोश है। कोई भी संगठन हो या व्यक्ति हो, उन्हें किसी भी इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए जिसमें देश में या समाज में समाज का सौहार्द बिगड़े। विवाद को निपटाने का जरिए दो होते हैं, या तो संवाद से हो या अदालत से हो, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका होता नहीं है। रही बात आपने जो पीएफआई की बोली, तो उसको मैंने अभी देखा नहीं है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा।
23 मई को ही PFI ने केरल में एक रैली की थी जिसमें दूसरे धर्मों के खिलाफ विवादित नारे लगाए थे और अब मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर PFI एक्टिव हो गया है। विश्व वैदिक सनातन संघ ने PFI पर पूरी तरह से बैन लगाने की मांग की है। PFI ने कहा है कि मंदिर मस्जिद विवाद नहीं रुका तो ये देश में सांप्रदायिक दुश्मनी और अविश्वास का कारण बनेगा, इसलिए जरूरी है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन किया जाए। अब PFI की एक कोर्ट को धमकी है या फिर नसीहत, आप खुद समझ लीजिए। ओम प्रकाश तिवारी, ABP न्यूज, दिल्ली। पूर्णिया सिटी जानिए। पूर्णिया सिटी, हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। बाबा ने भेजा है। Come here. Curiosity. Curiosity नहीं, Curiosity. वो क्या? That's what brought you here. जो तुम्हें यहां तक ले आया। Curiosity. ABP News, आपको रखे आगे।